हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे SMPS और लीनियर पावर सप्लाई में कंपैरिजन। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या डिफरेंस होता है, इसमें देखेंगे विभिन्न पैरामीटर का यूज करके इसमें कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर हम लोग लेते हैं एफिशिएंसी, दक्षता जिसको बोलते हैं। तो SMPS मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसकी तुलना करेंगे हम लोग किससे, लीनियर पावर सप्लाई से। तो इसको इन शॉर्ट बोला जाता है SMPS। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो SMPS जो होता है उसका जो एफिशिएंसी होता है वो हाई होता है, अबाउट 60-95%। ठीक है, जो लीनियर पावर सप्लाई होता है उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो लेस होता है, अबाउट 30-40%। ठीक है, SMPS की जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है, लीनियर पावर सप्लाई की एफिशिएंसी लो होती है, लेस होती है। अब हम लोग का दूसरा पैरामीटर है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज के आधार पे देखते हैं मोर और लेस देन इनपुट वोल्टेज। जो SMPS होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है, वो इनपुट वोल्टेज से ज्यादा भी हो सकता है आउटपुट वोल्टेज, या कम भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज से मोर अधिक भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ठीक है, और जो लीनियर पावर सप्लाई होता है वो ऑलवेज लेस देन इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज हमेशा ही कम रहेगा। ठीक है, इनपुट वोल्टेज की अपेक्षा आउटपुट वोल्टेज हमेशा कम रहता है, किसमें, लीनियर पावर सप्लाई में। अब हम लोगों का तीसरा पैरामीटर है रेगुलेशन मेथड। वोल्टेज रेगुलेशन इज डन बाय कंट्रोलिंग ड्यूटी साइकिल। SMPS जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई में वोल्टेज रेगुलेशन को ड्यूटी साइकिल द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन को ड्यूटी साइकिल द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि लीनियर पावर सप्लाई में बाय डिसिपेटिंग एक्सेस पावर वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डन। डिसिपेटिंग एक्सेस के थ्रू हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन है वो होता है किसमें, लीनियर पावर सप्लाई में। ठीक है, अब तीसरा पैरामीटर सर्किट डायग्राम। सर्किट क्या होता है, जो SMPS होता है उसका सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है उसका सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है, लीनियर पावर सप्लाई का जो सर्किट होता है वो क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है, किसकी अपेक्षा, SMPS की अपेक्षा। अब हम लोग का अगला जो पैरामीटर है वो नॉइज और इंटरफेरेंस। नॉइज क्या होता है, अनडिजायर्ड सिग्नल जो होता है, अनवांटेड सिग्नल या अनडिजायर्ड सिग्नल ही नॉइज होता है, और इंटरफेरेंस, इसके आधार पे जो SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई वो हाई होता है, नॉइज और इंटरफेरेंस हाई होता है, और जो इसका होगा लीनियर पावर सप्लाई का वो लो होता है, नॉइज और इंटरफेरेंस। ठीक है, क्यों इसका हाई होता है, SMPS का क्यों हाई होता है, क्योंकि ये ऑपरेट करता है 50 kHz to 1 MHz पे। ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा नॉइज हो सकता है, और जो लीनियर पावर सप्लाई होता है वो 50 Hz to 60 Hz पे ऑपरेट करता है, इसलिए इसमें नॉइज लेस होता है। साइज एंड वेट। साइज और वेट SMPS में लेस होता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है SMPS में वो छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का साइज होता है वो लेस होता है। जो हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं SMPS में, स्विच मोड पावर सप्लाई में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसका साइज जो होता है छोटा होता है। ठीक है, इस कारण से जो इसका सर्किट होता है वो भी क्या होता है, उसका साइज और वेट छोटा होता है, लेस होता है, किससे अपेक्षा, लीनियर पावर सप्लाई की अपेक्षा। तो लीनियर पावर सप्लाई में क्या होगा, जो साइज और वेट होता है वो मोर होता है, अधिक होता है। क्यों होता है, ट्रांसफार्मर साइज इज बल्की, जो ट्रांसफार्मर की साइज होता है इसमें बड़ा हो सकता है, बड़ा होता है, इसलिए इसका जो साइज और वेट होता है वो मोर होता है लीनियर पावर सप्लाई का। अब हम लोग देखने वाले इसका एप्लीकेशन। तो हाई पावर एप्लीकेशन में SMPS का यूज होता है,
कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में इसका यूज होता है, स्टेबल पावर एप्लीकेशन में स्विच मोड पावर सप्लाई का यूज होता है, और जो लीनियर पावर सप्लाई है उसमें लो पावर एप्लीकेशन का यूज होता है, कहीं कहीं हाई पावर में भी इसका यूज होता है, लेकिन ज्यादातर लो पावर एप्लीकेशन में इसका यूज होता है, और सिंपल एप्लीकेशन में इसका यूज होता है लीनियर पावर सप्लाई का, और लो कॉस्ट सिस्टम में, ठीक है, लो कॉस्ट सिस्टम में इसका यूज होता है लीनियर पावर सप्लाई का। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई और लीनियर पावर सप्लाई में डिफरेंस, कुछ बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इन बातों को आप जरूर याद करें और पढ़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।